आरजेडी के नेता हैं शिवानंद तिवारी, क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनते हैं। कौन सा कार्ड खेल रहे हैं भाई, ये देश का कार्ड नहीं खेल रहे हैं, वो किसी तरह से हम चुनाव जीते इसका कार्ड खेल रहे हैं। भला बताइए प्रधानमंत्री किस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि नया भवन संसद का बना, उसमें उन्होंने कहा कि एक नई शुरुआत जो है वहाँ की जाएगी, और क्या हुआ साहब, भिदुड़ी ने किस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के नेता जो है ये कह रहे हैं कि किस ढंग के भाषा का इस्तेमाल किया, आज तक जो है नरेंद्र मोदी ने उसको फटकार भी लगाया है, मैंने इंडियन पार्लियामेंट में इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जो कांग्रेसी नेता है प्रमोद, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो दलित और मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, तो इन लोगों को क्यों नहीं नीतीश कुमार पद छोड़ देते हैं। अरे भाई कौन क्या कह रहा है उससे क्या, अभी नीतीश कुमार ने ही अति पिछड़ों को पंचायत और इसमें आरक्षण दिया था, उसके पहले कौन जानता था कि अति पिछड़ा का वोट क्या है। लोग पूछते थे कि राजपूत वोट कितना है, जादव वोट कितना है, कुर्मी वोट कितना है, कोई पूछता था कि कहाँ रकमकर का वोट कितना है। ये जब नीतीश कुमार ने पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण दिया उसके बाद लोग पूछने लगे कि भाई क्या लग रहा है बाबा कि ये जो अभी जाति गणना हुई है इसका देश पर व्यापक असर पड़ेगा, इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई। निश्चित रूप से व्यापक असर पड़ेगा और भारत सरकार पर ये दबाव पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से माने देश के स्तर पर जाति जनगणना कराई जाए इसकी मांग उठती रही है। आपको याद होगा एक समय मुलायम सिंह, शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार सब लोगों ने जिस समय कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय दबाव बनाया था कि साहब जाति जनगणना होनी चाहिए, और ये कहा जाता है कि 2011 में एक माने सर्वेक्षण भी हुआ था सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में, उसके बारे में कहा गया कि नहीं था इसका आंकड़ा जो है वो मैंने ये ठीक ठाक नहीं बना है, इसलिए अभी जो है हम। तो क्या लग रहा है बाबा कि आपको ये मुद्दा बन चुका है पूरे देश में? उठेगा ही ये मुद्दा, उठ जाएगा, जाहिर है कि प्रधान। तो शिवानंद तिवारी को आप सुन रहे थे, और इस बीच जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, सुनते हैं। साल तक लागू नहीं होना है, अगले 10 वर्षों तक वो लागू नहीं होना है, हो सकता है 20 साल भी हो जाए। तो उनका कोई महिला आरक्षण लागू हो, महिलाओं को आरक्षण मिले 33%, इससे उनकी कोई रुचि नहीं है इसमें। उनकी रुचि थी कि जनता को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए, इस देश की महिलाओं को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए। अगर ऐसी मंशा नहीं होती तो मानसून विंटर सेशन तो अभी नवंबर में होने वाला था, जब ये लागू होना ही नहीं था 10 साल तक, तो विंटर सेशन में लाते महिला आरक्षण बिल। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लाने के लिए बड़ा इवेंट उन्होंने और आयोजित किया, संसद का विशेष सत्र बुलाया, पूरे देश में दुनिया में डिबेट चलता रहा कि जैसे लगा कि विशेष सत्र में क्या तूफान होने वाला है। खोदा पहाल निकली चुहिया, महिला आरक्षण बिल लाए, लेके आए वो भी वैसा बिल जो अगले 10 साल तक लागू होने का और 15 साल के बाद होगा कि 20 साल का, कोई कमिटमेंट उस बिल में नहीं है। आरक्षण का दायरा जरूर बढ़ाना चाहिए, और केंद्र की सरकार को संविधान संशोधन करके 50% का जो आरक्षण का प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को समाप्त करना चाहिए। और देश में 2021 में जो जनगणना प्रारंभ होना था अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहे आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।